अबे आ करी तो अच्छी बैठी मिल गया बोला ही चार दो जेल ही रुक अपना ये मेहमान रामदास बापू पधारिए रामदास बापू सीताराम जी महाराज जी
एवं राधा कृष्ण मधुरी असीम अनुकंपा की आज भारतीय संस्कृति दक्षिण प्रदान जो मैंने लाभ मिलो खूब खूब तमारो आभारी। आज मैं एम लगे कि विदेश की भूमि पर हूँ नहीं जाने भारत भूमि की अंदर जाने अमरा गाम में अमरा देश में संस्कृत जो कार्यक्रमों थता हो जरा हिंदुत्व की एकता दिखाती हो दर्शन या प्रतीक मैं दिखाए थे जे आज पहली बार यहाँ पर तमारो सम्मेलन जे मैंने दर्शनों लाभ मिलो थे तमारो आभारी अमारा आशीर्वाद है अमारा पूर्ण आशीर्वाद से तमारा समाज में एकता जवा रहे जे आज समस्त कच्छ समाज जे पटेल भाईओ एकत्रित थई अने जे हिंदू संस्कृति अने जे भारतीय संस्कृति रक्षण अने एकता करवा माटे अथवा संस्कृति रक्षण करवा माटे एकत्रित थया छो खूब खूब धन्यवाद। जरा आपणे देखवामां आवे रामायण श्रीमद भागवत गीता अने महाभारत आमां जे जे उल्लेखो बताया छे जे जे प्रसंगों बताया थे ये प्रसंगों ना दर्शन अत्रे मने थे रिया मारो आशीर्वाद थे अने खरेखर जे भारतीय संस्कृति नो सम्मेलन थे जन संतों नो सम्मेलन थाई थे कथाकारों नो सम्मेलन थाई थे जर आज हिंदुत्व नो सम्मेलन जारे थतु हो क्या थेमा ऋषि हो संतो हो ग्रस्तीलो हो संन्यासीलो हो जे भारतीय संस्कृति तरीके जे एकज आपने कहवाई थी अने खरेखर बधा तमे रामना उपासको छो जो के तमने तमारो ख्याल नहीं हो तमे एवुं समझता छो कि भारत में जे आ परदेशी भूमि पर आया छीए भारतवासी पण भगवान राम जी ना तमे वंशमां जन्मेला छो लवना देवा अने कुशना कड़वा रामजी ने बे दीकरा लव हतो एना वंशमां जे लेवा पटेलो थया अने कुश जे छे एना वंशमां कड़वा पटेलो थया। तमने ख्याल हशे तमारा बन्ने ज्ञातिमां बेटीनो व्यवहार लेवा पटेलनी दीकरी कड़वा पाटीदारमां लग्न करी शके ए आपणो भारतीय संस्कृतिनो हजी प्रतीक छे कारण के बन्ने सगा भाईओ लव अने कुश बन्ने परमात्मा ना संतानो छो अने ए संबंधे अमे राम ने पण मानीए छे कृष्ण पण भजीए छे अने आपणे बधा एक ज भाईओ छी अने ए संस्कृति नु दर्शन आजे मने थयुं छे अने तमारो खूब खूब आभार मानु छु। विशेष समय ने लीधा आदरणीय कार्यक्रमो पण आया घणा हशे आजे खूब आनंद थाय छे अने परमात्मा श्री कृष्ण प्रभु रामचंद्रजी महाराज पासे प्रार्थना करू छु के तमारी चढ़ती कला राखे दिन दिन दिवसे તમારા સમાજમાં એકતા સંપત્તિ અને અનેક પ્રકારના સુખોની પ્રાપ્તિ થાઓ એવું પ્રભુની પાસે પ્રાર્થના કરું છું। અસ્તુ જય શ્રી રામ જય શ્રી કૃષ્ણ।